आज हम लोग आते हैं इंटीग्रल चैप्टर पर। ठीक है, इसमें आपको इंटीग्रेशन जो है एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिखते हैं, कॉस एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब इस यहीं पर इस तरीके से बोलेंगे, साइन एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो, साइन एक्स प्लस सी इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। यहाँ पर एक लिखा गया एन, यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव। एन का मतलब केवल एक एंटी डेरिवेटिव है कॉस एक्स, साइन एक्स जो है कॉस एक्स का एक एंटी डेरिवेटिव है। यहाँ पर सी बदल देंगे तो अलग अलग आएंगे, सी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ बात ध्यान दें, जैसे एफ एक्स को इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स में इंटीग्रेंट कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके मतलब है एक्स इन एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट फाइंड द इंटीग्रल एन इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एनी रियल नंबर सी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट फंक्शन। ओके, यहाँ पर कुछ रिजल्ट हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी वन, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन सेंस द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, फॉलोइंग रिजल्ट मतलब यहाँ पर आप देखो डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो आपका एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और एंड इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। टू इंडिफरेंट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, सो दे आर इक्विवेलेंट। कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे इंटीग्रल जो होगा प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है तो इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट इनटू इंटीग्रल, कांस्टेंट इनटू इंटीग्रल, कांस्टेंट इनटू इंटीग्रल, फंक्शन के साथ सबके लग जाए, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे वन अपान एक्स है, इसका पूछा है एन एंटी डेरिवेटिव, तो आप क्या कीजिए, आप सोचिए किसका डेरिवेटिव होता है। तुम जानते हो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन अपान एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो आप लॉग ऑफ माइनस एक्स लिखते हो, इसका डेरिवेटिव आता है माइनस वन अपान एक्स माइनस वन, यानी वन अपान एक्स। तो वन अपान एक्स आपका आया, इस केस में भी वन अपान एक्स आया, इस केस में भी वन अपान एक्स आया, यानी वन अपान एक्स के दो हुए, एक लॉग एक्स एक दूसरा लॉग माइनस एक्स, इसलिए एक्स माइनस एक्स दोनों आया है, इसलिए मॉड एक्स लगाते हैं। ठीक है, अब वन अपान एक्स का इंटीग्रल आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे लॉग मॉड एक्स। ठीक, देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट, यहाँ पर एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, अलग अलग तीन फंक्शन है, सम के फॉर्म में है, इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स पावर थ्री अपान टू प्लस वन अपान थ्री अपान टू प्लस वन, प्लस टू कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रल ई पावर एक्स माइनस वन अपान एक्स का लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फंक्शन कोसेक एक्स है, दूसरा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है, दोनों फंक्शन के बीच मल्टीप्लाई है, इसको अभी इंटीग्रल लगेगा नहीं, इसको आप ऐसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये फंक्शन आपका इन दोनों के बीच में क्या गया, प्लस आ गया, अब इंटीग्रल दोनों के साथ लग जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल इंटीग्रल यहाँ डी एक्स यहाँ डी एक्स, अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आपको याद होना चाहिए माइनस कॉट एक्स, और इसका इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं,
जैसे 9th क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा 2x³/3 प्लस ई पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, इसको लिखेंगे एक्स प्लस 5 माइनस 4/x² अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये अब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का इंटीग्रल x² / 2, 5 का इंटीग्रल 5x माइनस 4, इसको लिखेंगे x⁻², तो -1 हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, ये फंक्शन है, इसको पहले आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x² यहाँ से कॉमन करेंगे, x² एक्स माइनस वन और प्लस यहाँ से x माइनस वन, ठीक है, तो ये बन गया x माइनस वन और x² + 1, डिनोमिनेटर में x माइनस वन है, कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये जो फंक्शन है इंटीग्रेंड वो आपका x² + 1 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x³ + 3 प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखो, sec² x है, sec² x को आप लिखेंगे 1/cos² x, ठीक है, अब इसमें डिवाइडेड बाई cosec² x को लिखेंगे 1/sin² x, तो इसको लिख सकते हैं आप tan² x, ठीक है, tan² x को लिखेंगे sec² x माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बदल जाए फंक्शन आपका, ये फंक्शन को आपने ये लिख दिया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, sec² x का इंटीग्रल होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ से इंटीग्रल लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में इसको आप लिखेंगे 2/cos² x को लिख देंगे 2sec² x, ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा 3sin x/cos x हो जाएगा tan x और फिर 1/cos x sec x, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे dx, तो 2tan x माइनस 3sec x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 21 देखो, √x का इंटीग्रल हो जाएगा x^(1/2) + 1/(1/2+1), ये हो जाएगा x^(3/2) डिवाइडेड बाई 3/2, इसको लिख सकते 2/3x^(3/2), तो ये देखो ये है 2/3x², ठीक है, अब इसका हो जाएगा ये, तो ये आपका सही हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x^(-1/2) + 1/-1/2+1 x^(1/2) / 1/2 2 × x^(1/2), तो ये आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है, तो पहले आप इंटीग्रेट करो फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा x^4 और इसका हो जाएगा +1/(x³)/c, यहाँ पर 2 की वैल्यू सी, ये है हमारा, ये आपका आ जाएगा f(x), x की वैल्यू आप 2 रखो और तो f(2) 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 2^4 + 1/2 / 3 यानी 8, ये हो जाएगा 16+1/8 प्लस सी 16 + 28 = 29 प्लस माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पर आ जाइए, ये आपके इंटीग्रेशन आप आए सब्स्टिट्यूशन पर फिर आज बात करेंगे, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये आपका फंक्शन है तो x² + 1 है, 2x है, तो x² + 1 के आर्गूमेंट को t बोल देते हैं, इसका डेरिवेटिव 2x है, तो ये sin t बन जाएगा, sin t, ठीक है, dt, ओके, इसका इंटीग्रल -cos t + c, टी की पोजिशन 2x, टी की पोजिशन x² + 1, ये हो जाएगा -cos x² + 1 + c, सी लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा -cos² x + 1 c। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर इसमें जो है tan−1x को टी बोलो और सॉल्व कर लो। ओके, अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट हैं आपको याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन से निकाले गए हैं, जैसे tan x का log·sec x होता है प्लस सी, चाहे, ठीक है, चाहे −log·cos x + c बोलो,
कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का इंटीग्रल याद रखना है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ऐसे कोसेक एक्स का लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी इसके पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखो साइन एक्स अपान साइन ऑफ एक्स प्लस ए है, साइन ऑफ एक्स प्लस ए को हम लोग टी बोल देंगे, इसको टी बोल देंगे ठीक है। तो एक्स प्लस ए इजिकल टू टी हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा टी माइनस ए, तो साइन ऑफ टी माइनस ए अपान साइन टी, इसको मैं आइडेंटिटी लगा देंगे साइन ए माइनस बी की, तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर टू, लॉग एक्स का होल स्क्वायर है अपान एक्स, लॉग जहाँ जिसको मैंने ग्रीन कलर से किया है उसे आपको टी बोलना है, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपान एक्स है और लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन के आर्गूमेंट को हम लोग टी बोलते हैं ठीक है। तो आर्गूमेंट को हम लोग टी बोलेंगे, तो यहाँ पर ग्रीन कलर से किए हैं टी, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये आपका डी एक्स वन अपान एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब अपान थ्री, फिर टी की वैल्यू रख देंगे वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री भी ऐसे है, यहाँ पर पहले एक्स कॉमन कर लेंगे, वन प्लस लॉग एक्स को टी बोला जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपान एक्स डी एक्स, वन अपान एक्स डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा, डी टी अपान टी, डी टी अपान टी लॉग मॉड टी, टी का वैल्यू रख देंगे वन प्लस लॉग एक्स ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर फाइव में साइन का आर्गूमेंट एक्स प्लस बी है, कॉस का आर्गूमेंट एक्स प्लस बी है, यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे ठीक है। तो वन टू से मल्टीप्लाई हुआ, टू से डिवाइड हुआ, तो वन पॉइंट टू बाहर हो जाएगा, साइन ऑफ टू एक्स एक्स प्लस बी हो जाएगा, साइन का इंटीग्रल होता है कॉस, कॉस टू एक्स प्लस बी, आर्गूमेंट एक्स का कोफिशियंट जो यहाँ पर जो है वो टू है, टू ए से डिवाइड हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रल भी माइनस आता है ठीक है ओके। अब आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन में यहाँ पर टू प्लस थ्री एक्स का, टू प्लस थ्री एक्स क्यूब है, होल पावर थ्री है, कंपोजिट फंक्शन है, इसका आर्गूमेंट टू प्लस थ्री एक्स क्यूब को टी बोला जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर नाइन एक्स स्क्वायर आएगा, इसलिए नाइन से मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड किया गया है, और ये आपका डी टी बन जाएगा, उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, वन अपॉन टी क्यूब का इंटीग्रल होता है टी पावर माइनस थ्री प्लस वन अपान माइनस थ्री प्लस वन ठीक है, वन अपान नाइन कांस्टेंट है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फार्मूला है, इस फार्मूले से इसे रिजल्ट आएगा ओके ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 भी हुआ है, यहाँ पर नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर को टी बोला गया है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है माइनस एट एक्स, माइनस एट एक्स कैसे बना है, माइनस एट से मल्टीप्लाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, माइनस एट एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, डी टी एक्स डी टी अपॉन टी, इसका आंसर होता है लॉग मॉड टी, टी के पोजीशन पर नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर रख देंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ई क्यू पावर टेन इनवर्स एक्स, इसे टी बोला गया है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है, और ये आपका डी टी बन जाएगा ई पावर टी डी टी, इसका आंसर ई पावर टी, फिर टी की पोजिशन पर ई पावर टेन इनवर्स एक्स रख देंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है, तो इसलिए डिनोमिनेटर को टी बोल देंगे, और ये जो न्यूमिनेटर है आपका डी टी बन जाएगा, डी टी अपॉन टी मतलब लॉग मॉड टी, वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, टी के पोजीशन पर आप रखेंगे ई पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 24 में भी देख लो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर को टी बोला जाएगा, और फिर इसका आंसर आ जाएगा डी टी अपॉन टी ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग मॉड टी प्लस सी, टी की पोजीशन पर डिनोमिनेटर रख देंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो आपका यहाँ पर जो कंपोजिट फंक्शन है वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है, इसलिए इसके आर्गूमेंट को टी बोलेंगे, आप इसको जब आप टी बोलोगे तो इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स ठीक है, डी एक्स माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में माइनस आएगा, और ये डी टी बन जाएगा, फिर आपका हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टी स्क्वायर डी टी, माइनस वन अपॉइंट टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है वन अपॉइंट टी प्लस सी, टी के पोजीशन पर वन माइनस टेन एक्स ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कॉस का आर्गूमेंट रूट एक्स है ठीक है, रूट एक्स को हम लोग टी बोलेंगे, इसका डेरिवेटिव आता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स, इसलिए टू से मल्टीप्लाई किया गया है और डिवाइड किया गया है, और वन अपॉइंट टू रूट एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, वन अपॉइंट टू कॉस टी डी टी ये आपका इंटीग्रल होगा,
और इसको इंटीग्रेट करने पर साइन टी प्लस सी आंसर आएगा 1/2 करके। ठीक है, टी के पोजीशन पर फिर से रूट एक्स रख देंगे। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखो 34 में रूट टाइन एक्स अपान साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर कॉस एक्स है, तो नीचे ऊपर नीचे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया गया है। टेन यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन रूट टेन एक्स है, टेन एक्स के आर्गूमेंट को हम लोग टी बोलेंगे। इसके लिए यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन किया गया है, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है, मल्टीप्लाई करने पर कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, फिर यहाँ से जो डिवाइड करने पर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स बन जाएगा, ये रूट टेन एक्स अपान टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो बेटा जी, रूट टेन एक्स अपान टेन एक्स को 1/√tan x लिख देंगे, इसके आर्गूमेंट को टी बोला जाएगा, ये डी टी बन जाएगा, 1/√t dt, 1/√t का इंटीग्रल होता है 2√t प्लस सी, टी के पोजीशन पर टेन एक्स रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका कंपोजिट फंक्शन x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है, इसका आर्गूमेंट x प्लस लॉग x है, इसे आप टी बोलोगे, इसका डेरिवेटिव x प्लस 1/x dx के रूप में आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपका बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रल इसको करोगे तो टी क्यूब 3 आर्गूमेंट को x प्लस लॉग x यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 37 में कंपोजिट फंक्शन जो है साइन ऑफ टेन इनवर्स x पावर 4 है, साइन का आर्गूमेंट टेन इनवर्स x पावर 4 को टी बोलोगे, इसका डेरिवेटिव जो बनेगा 4x³/1+x⁸dx बनेगा, जिसे डी टी बोल दोगे, 4 नहीं आएगा तो 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, इससे आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी होता है, 1/4 कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे, प्लस सी, टी के पोजीशन पर टेन इनवर्स एक्स पावर 4 रख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 38 में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, इसलिए इसे टी बोलेंगे, न्यूमिनेटर आपका डी टी बन जाएगा, डी टी अपॉन टी लॉग मॉड टी, टी के पोजीशन पर डिनोमिनेटर एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर एक्स रख देंगे। 39 क्वेश्चन में 1/sin² x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, इसे मैनिपुलेट करेंगे, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, अलग अलग कर लेंगे, 1/cos² + 1/sin² + 1/cos² sec² x रख देंगे, 1/sin² cosec² रखेंगे। ठीक है, ये sec² x cosec² x इंटीग्रल करेंगे, टेन एक्स आ जाएगा इसका, माइनस कॉट एक्स आएगा, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की जरूरत है, साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 - cos² a / 2, कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 + cos² a / 2, 1 - cos a को लिखेंगे 2 sin² a / 2, 1 + cos² a को लिखेंगे 2 cos² a / 2। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी को लिखेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी अपान टू, साइन ए इंटू कॉस ए को लिखेंगे साइन 2a / 2, 2 cos a × cos b को लिखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, 2 sin a × sin b को लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इतनी आइडेंटिटी आपको नेसेसरी है याद रखना। टेन स्क्वायर ए को लिखते हैं sec² a - 1, cot² a को लिखते हैं cosec² a - 1। ठीक है,